अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस टाइम मैं जो है मिशेर अब आया हूँ, और आप सबसे जो है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैंने करनी थी, और वो ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, मतलब कि दो दिन में 2.1K जो है व्यूज़ आ गए हैं, उसके ऊपर आप लोगों का प्यार जो है मुझे बता रहा है कि आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, और मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जिस वजह से मुझे जो है क्या कहते हैं इतने लाइक्स आ रहे हैं। दूसरी बात ये कहनी थी कि यार आपको मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी कहा था कि अप्लाई ऑनलाइन करें, अगर आप कंफ्यूज हो कि मींस के कौन सी ऐप से करो, तो यार दो ही ऐप हैं जिसके थ्रू मैं जो है ना अप्लाई करता हूँ ज़्यादातर, और एक जो है क्या कहते हैं लिंक्डइन है, और दूसरी जो है वो है इंडीड। इंडीड के ऊपर रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और लिंक्डइन के ऊपर आपको थोड़ा सा जो है वो आपको टाइम लग जाता है, मींस कि आपको सर्च करना पड़ता है अपनी फील्ड से रिलेटेड, फिर उनकी HR प्रोफाइल में जाके HR को मैसेज करो, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो है मैंने तो आपसे मैं क्या है ये रहा था कि सिर्फ दो ही ऐप हैं जिसके थ्रू मैं अप्लाई करता हूँ, एक है लिंक्डइन और दूसरी है इंडीड, जिसके ऊपर से मैं मोस्टली अप्लाई करता हूँ, और काफ़ी सारी जगह से मुझे रिप्लाई भी आया है कि आपने जो है अप्लाई किया हुआ था उसका क्या सीन है, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिप्लाई के अंदर उन्होंने ये कहा कि दोबारा मैसेज, दोबारा अपनी सीवी जो है दोबारा फॉरवर्ड करें। मैंने दोबारा फॉरवर्ड किया, और भी काफ़ी सारी जगह होटल्स में मैंने जाके सीवी अप्लाई किया, और वहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी अप्लाई करें, रिस्पॉन्स आपको आता है, आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करें या इंडीड के थ्रू अप्लाई करें। मैंने मोस्टली जो है इंडीड के थ्रू अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी है अप्लाई करना, लिंक्डइन में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन ये है कि इंडीड से आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी आ जाता है। अगर नहीं भी आता तो वो आपको बता देते हैं कि कंपनी अगर आपको लाइक 10 दिन के अंदर कंपनी रिप्लाई नहीं दे रही, तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं कि अभी तक हमें आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एक ये सीन है, और दूसरा सीन ये है कि आप दोहा के अंदर काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं जो अभी प्री ओपनिंग हो रही है जिनकी, और मींस के वो दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में जाना वो ओपन हो जाएंगे,
24 तक ये जो है प्री ओपनिंग और इनकी हायरिंग चल रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू जो है क्या कहते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। मैं आपको जो है इनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अप्लाई करें। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप जो है इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं यार, आप जाके बस अप्लाई करें। आपका काम है अप्लाई करना, बाकी जॉब मिलना ना मिलना नसीब की बात है। अभी मैं दोबारा शौक वाकिफ आ गया हूँ मिश्रत से चल के, तो आप जस्ट अप्लाई करें, आपका काम है अप्लाई करना और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, मुझे आया है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अप्लाई करें। और दोहा के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी सारे होटल्स अभी जो है ना प्री ओपनिंग उनकी चल रही है, तो यही टाइम है दिसंबर के एंड में जो है इनकी हायरिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर से जो है होटल जो है रनिंग में आ जाएंगे। ऑनलाइन सर्च करें एकोर के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो जो है अप्लाई करें एकोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। रात को भी मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि अब यही काम होता है मुझे, वापस आने के बाद मैं जो है सिर्फ अप्लाई करता हूँ जॉब्स के लिए। और एकोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करें, वहाँ पे काफ़ी सारे जो है जॉब्स के लिए पोजीशंस थी, और वो डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप होटल बैकग्राउंड से हैं तो आप होटल में अप्लाई करें। वहाँ पे आईटी की फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिशियन की फील्ड है, मींस कि हर फील्ड से रिलेटेड जो है ना वहाँ पे जॉब अवेलेबल है। आप सब जाके अपनी सीवी अपलोड करें, अकाउंट बनाएं और दैट्स इट, अप्लाई कर दें, बस यही आपका काम है। और क्या चाहिए यार आपको, हमें अगर मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिल सकती, और इंशाल्लाह मिलेगी आपको, बस ये है कि ट्राई करते रहें। कल भी मैं जो है लीनियम होटल गया था सीवी सबमिट कराने, तो वहाँ पे मैनेजर थे, कोई उनसे मुलाकात हो गई, तो उनको मैंने अपनी सीवी दी, तो सीवी देने के बाद मैंने उनको कहा कि सर आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, तो मुझे कहते कि व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ, मैंने कहा कुछ खास तो नहीं करता, बस जॉब सर्च कर रहा हूँ अभी और जॉब कर रहा हूँ फीफा प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी भाई यही सीन है, और तो फिर मुझे कहते कि व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ, मैंने कहा सर अभी तो मैं रिसेप्शन की जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे फीफा प्रोजेक्ट में, और साथ साथ जॉब भी सर्च कर रहा हूँ। कहते हैं गुड टू नो, और उसके अलावा किस चीज़ में जॉब चाहिए। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर रिसेप्शन की हो या आईटी के, आईटी से रिलेटेड हो, तो कहते हैं चलें मैं जो है ना आपको बताऊँगा। कहते हैं ओपेरा आपको चलाना आता है सॉफ्टवेयर, मैंने कहा नहीं सर वो चलाया तो नहीं है, हमारे यहाँ तो ऑटोलॉजिक्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो कहते हैं चलें मैं आपको बताऊँगा जैसे ही कोई अगर होगी ऑप्शन, तो मैंने आपकी सीवी अपने पास रख लिया, तो मैं आपको बता दूँगा और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आ जाएगा यार। अगर नहीं भी आया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सीधा 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 सीधा। तो यार देखो बात पता क्या है कि काफी टाइम के बाद जो है ये रियलाइज हुआ है कि यार जो भी है यहाँ पे सुकून बहुत है, और मैं उस दिन शॉक्ड हो गया हूँ सुन के कि 7,65,000 पाकिस्तानी जो है ना अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में चले गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है यार, यही अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग जो हैं रुल रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, उनको अगर जॉब है भी सही तो सैलरी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से यार मजबूर होके वो जो है जाना पड़ता है, इंसान को बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि एक दफ़ा इंसान निकल जाए तो फिर उसको पता चलता है कि यार क्या डिफरेंस है बहुत कंट्रीज़ में। और काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि यार आप यहाँ पे आके वेटर की जॉब करते हो, आप वही जॉब अगर पाकिस्तान में कर लो तो आपको अच्छा वो इनकम मिल जाएगी, लेकिन यार ये देर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सैलरीज ना, तो आप सैलरी आपको फिर भी उतनी नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आप वेटर की जॉब भी करते हो ना तो आपको 70-80 हज़ार या 90 हज़ार सैलरी मिल जाती है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में करते हो 15,000-10,000 से क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा और महंगाई आपके सामने है कितनी है। तो अगर मैं वापस पाकिस्तान चला भी जाता हूँ तो कोशिश मेरी यही होगी कि यार जो है क्या कहते हैं
मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि बाहर दोबारा चला जाऊँ या किसी और प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करूँ, इंशाल्लाह जो भी करूँगा। तो कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं दोबारा बाहर निकलूँ, क्योंकि मेरा एक दफ़ा जिसको बाहर की हवा लग जाती है ना यार, वो फिर नहीं सर्वाइव कर पाता पाकिस्तान में ना। तो यही कोशिश है कि दोबारा जो है अप्लाई करूँगा किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो कुछ ऐसा करेंगे कि मींस के अगर अपने नहीं ख्वाब पूरे हो सकते तो वो कहते हैं कि दूसरों के ख्वाब पूरे करने चाहिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, जब से वो बंदा फेमस हुआ ना, ये बंदों की जो है ना अलग ही टून बन गई, मित्र 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 मित्र। तो अगर अपना ना हो सका तो आप लोगों का तो करवा ही छोड़ूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है जितना, क्योंकि आप जो प्यार देते हो, जो मोहब्बत देते हो। और ब्रदर टेंशन नहीं लेनी, मैं जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा। अभी थोड़ा सा यार टाइम बाकी रह गया, मुझे प्रॉपर टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए मींस के डायरेक्ट लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दूँ, आप जाके थ्रू उस लिंक के अप्लाई करें और आपको इंटरव्यू के लिए जॉब वगैरह का सीन आपका ओके हो जाए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है सिर्फ होटल फील से रिलेटेड नहीं, और जितने भी मींस के प्रोफेशंस हैं सबके लिए जो है ना वीडियो बनाऊँ, और आप लोगों को जो है जो बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, यार देखो किसी ना किसी को तो ये काम करना पड़ेगा ना, अगर अल्लाह ताला ने यही वो लिखा हुआ है मेरे लिए कि मैं आप लोगों के लिए मींस के जॉब्स वगैरह ढूंढूं और आप लोगों को प्रोवाइड करूं, तो यही सही। तो करते हैं फिर आपके लिए भी कुछ, इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर। यार देखो मैं हमेशा से ये कुछ करना चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जो डिफरेंट हो, जो सब से डिफरेंट हो, हर कोई अपने लिए करता है, लोगों के लिए बहुत कम लोग करते हैं। तो कोशिश यही है कि आप सबके लिए कुछ करूँ, और